उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद मैनप्रीत दीवानी पर भी वकीलों द्वारा शोक प्रकट किया गया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव के बुधवार के दिन उनके ही सहयोगी मनीष शर्मा द्वारा गोली मारकर चैम्बर के अंदर ही हत्या किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में आग सी लग गई। हालांकि इस घटना में बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव के हत्यारे मनीष शर्मा ने भी अपने आप को भी गोली मार ली। दरवेश यादव की मौत हो जाने के बाद पूरे अधिवक्ता कौम में शोक की लहर दौड़ गयी। मैनप्रीत दीवानी पर मैनप्रीत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में मृतिका बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दरवेश यादव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई और पूरे प्रदेश के साथ मैनप्रीत दीवानी पर भी एक दिन का शोक किया गया और कंडोलेंस घोषित कर दिया गया। सर्वप्रथम जो सरकार ने कर्नल दिया था, वो कर्नल ने अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभाया। किसी भी व्यक्ति के साथ जो अंगरक्षक होता है वो छाया की तरह चलता है, आगे भी चलना चाहिए था, पीछे भी चलना चाहिए था। जैसे घटना के लिए उसने अपना वेपन निकाला, वैसे ही इन्हें अपना वेपन भी निकाला, उसका प्रतिरोध करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। जैसा कि आम घटनाओं होता है, अंगरक्षक बाहर आ गया, ये घटना हो गई। और क्या नाम, ये CBI जांच होनी चाहिए। हमारी बार काउंसिल का गौरव और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का गौरव, वकीलों की नेता दरवेश जी की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उससे पूरा अधिवक्ता समझा आहत है। इस घटना की मैनपुरी जनपद का संपूर्ण अधिवक्ता CBI जांच की मांग करता है। और चूंकि ये घटना जिस तरीके से बताई जा रही है उसकी CBI जांच हो जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि घटना की सत्यता पता चले। योगी जी ने यह भी कहा है कि दीवानी परिषद में कोई भी सांसद नहीं जाएगा, उसके दौरान भी ये कैसे चला गया? देखिए, हम लोग मैनपुरी में ही, चूंकि हम लोग मैनपुरी का अधिवक्ता है, लगातार इस मांग को उठाते रहे, किसी न्यायालय परिसर में कोई वेपन नहीं जाना चाहिए। अब आगरा जैसी हाईटेक सिटी में अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, उसका असला किस तरीके से परमिट हुआ, किस तरीके से एक अकेले आदमी ने किसी के चैम्बर में लोगों की बहुतायत होते हुए मर्डर कर दिया, ये बड़ा संदेहास्पद स्थिति है। इसकी बेहद आवश्यकता CBI जांच की। मैनपुरी दीवानी मैच कंप्लेंस भी हो गई है। हाँ, हम लोग सब लोग दरवेश जी के परिवार के साथ है। हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग के साथ अपना स्वर मिलाते हुए मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया अविलंब उनको स्वीकृत किया जाना चाहिए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए और जो भी आर्थिक सहायता तो ये सरकार कर सकती। साथ ही एक मांग और भी करते हैं कि किसी भी जनपद न्यायालय में, चाहे अधिवक्ता हो, बातकारी हो, जुडिशियल ऑफिसर हो या एनीबडी, कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी तरीके का हथियार परमिट न किया जाए परिसर के अंदर। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनप्री। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा, सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर, एक्सीडेंट एवं कंसोर्ट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।